को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कामरान खान। तमाम मुसलमान पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र है, ये उसका करम है कि पाकिस्तान में कोरोना काबू में आया। मगर दुनिया पाकिस्तान की कोरोना वायरस से जीत पर हैरान है। कई माहरीन इसे पाकिस्तान की नौजवान आबादी, कई कुदरती तौर पर बेहतर कुव्वत मुदाफियत और कई हुकूमत की कामयाब और स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी का समर करार दे रहे हैं। अब साइंसी वजूहात भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मुस्तनद एक रिसर्च के नतज सामने आए हैं जो ये कह रही है कि करोड़ों पाकिस्तानियों में दरअसल मुदाफियती एंटीबॉडीज़ पैदा हो चुकी हैं। शायद यही वजह है कि 2,91,000 से ज़ायद मरीजों में से 2,73,000 सेहतियाब हुए। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट 2.5% रहा, जून में 20% था। नए केसेस में भी तेजी से कमी आ रही है। 7 रोज से औसतन 500 केसेस सामने आते हैं और औसतन 8 अमवात हुई हैं। पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही सिर्फ अगर हम नज़र डाल के देखें तो हमारे खत्ते में इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि कई बातें की जाती हैं। कोई कहता है मौसम की वजह से है, कोई कहता है इस इलाके के लोग जो रहने वाले हैं उनके अंदर कोई ख़ास मुदाफ़त है, कोई कहते हैं कि वो BCG के इलेक्शन इंजेक्शन जिन्होंने लगते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मुश्तरक हैं इसी खत्ते के अंदर। इस वक्त सूरत हाल पिछले 2 हफ्ते के अंदर ये है कि अगर आबादी के तनासब से हम देखें तो बांग्लादेश में पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं। 5-7% का फ़र्क नहीं है, 4 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं। भारत के अंदर इसी 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान से 12 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं और ईरान में पाकिस्तान से 20 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं। बार बार इस प्रोग्राम में मैं कहता रहा हूँ, मेरा ईमान भी यही है और अभी प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि दरअसल पाकिस्तान पर सिर्फ अल्लाह का करम है, रहम है, उसका शुक्र है कि पाकिस्तान में कोरोना काबू में आया। लेकिन ऑब्वियसली साइंटिस्ट इसको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, वजूहात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि एक नई रिसर्च सामने आई है, इसमें क्या इंकशाफात हैं, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, वो आपको बताते हैं। 25 शहरों में की गई एक तहकीक से मालूम हुआ है कि मुल्क भर में तकरीबन 11% यानी 2.25 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों में कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती कुव्वत मुदाफियत पैदा हो गई है। आगा खान यूनिवर्सिटी, दीगर शराकत दारों और आलमी इदारे सेहत की तकनीकी मदद के साथ हेल्थ सर्विसेज एकेडमी की जानिब से पिछले महीने एक नेशनल सीरो प्रीवेलेंस स्टडी का आगाज किया। सेरो प्रीवेलेंस स्टडी के जरिए इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी फ़ीसद आबादी के हिस्से में वायरस से हिफाजती कुव्वत मुदाफियत या एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई हैं। तहकीक के मुताबिक दही इलाकों के मुकाबले में शहरी इलाकों में मुदाफियत ज़्यादा थी। इसी तरह जिन लोगों ने COVID-19 से मुतासर अफराद से राबता किया इनके खून में एंटीबॉडीज़ होने का इम्कान ज़्यादा है। शहरी आबादी और दरमियानी उम्र तक के लोग इस मर्ज से ज्यादा महफूज हैं, तहम देही आबादी और बुजुर्ग शहरियों को मोहलिक वायरस की दूसरी लहर से ज्यादा खतरा है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज की जानिब से भी इसी तरह की एक रिसर्च मई से जुलाई तक कराची में की गई, जिसके नतायज के मुताबिक तकरीबन 1700 सैंपल्स में से 36% में कुव्वत मुदाफियत पाई गई। लेकिन माहिरीन का कहना है कि 36% आबादी में भी एंटीबॉडीज़ का मौजूद होना हर्ड इम्यूनिटी के तसव्वुर से अभी दूर है, क्योंकि इसके लिए कम से कम 60-70% की तादाद दरकार होती है। साइंसी वजूहात पे ही फोकस करते हैं और इसके लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर ताहिर शमसी, जो कि पाकिस्तान के नामवर हेमाटोलॉजिस्ट भी हैं और सरबरा हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं, आप भी यकीनन तमाम मुसलमान की, अल्लाह ताला का फजल व करम है कि पाकिस्तान में ड्रामाई कमी, मौजज़ाना कमी आई है कोरोना में। आपके नज़दीक इसके अलावा इसकी साइंटिफिक क्या रीजंस हो सकते हैं? कामरान साहब बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जो साइंसी वजह नज़र आ रही है हमको वो ये है कि बेशुमार लोगों को जो एक
जो तादाद हुकूमत बताती है रोज़ाना 500-600, उससे पहले कई हज़ार अफराद रोज़ाना मुतासर हो रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा अफराद जो हैं पाकिस्तान में उन्होंने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ बीमार हुए बग़ैर एक्सपोजर की वजह से एंटीबॉडीज़ बना ली हैं। और जो तादाद तरीन आदाद शुमार है मेरे पास, उसके मुताबिक जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, ब्लड डोनर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उनमें से करीब करीब समझ लीजिए कि 37% के करीब लोगों ने एंटीबॉडीज़ बना ली हैं। तो कोरोना वायरस से मुतासर शख्स को अब सेहतमंद आदमी नहीं मिल रहा जिसको वो ट्रांसफ़र करें, इस वजह से इसमें हमें नुमाया कमी देखने को मिल रही है। अभी एक और रिसर्च भी आई WHO की एफिलिएटेड और आगा खान यूनिवर्सिटी की, जिसमें कहा गया, आप फरमा रहे हैं कि जो आपने सैम्पलिंग की है उसमें 36% ये लोग कहते हैं, तकरीबन 11% आबादी है जिसमें कि ये एंटीबॉडीज़ डिवेलप हो चुकी हैं। और इसका मतलब ये कि एक साइंटिफिक फैक्टर जो है वो ये है कि हमारी आबादी में 11-36% जो है वो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई है, मगर इस जब तक ये डेवलप हुई उससे पहले मगर कोई हमारे यहाँ कोई इतने बड़ा रश मरीजों का बनता हुआ नज़र नहीं आया, या कि संगीन मरीज़ ना पैदा हुए और एंटीबॉडीज़ भी बन गई। ये एक बहुत ही अहम काम हुआ है और WHO और एक लोकल यूनिवर्सिटी ने जो ये काम किया है, ये बुनियादी तौर पे इस सैम्पलिंग की है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ आबादी के सेगमेंट के, और एक तरह का ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि कितने फ़ीसद अफराद में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं। तो ये काम फैलाने का है, हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसको ये काम बड़े पैमाने पर करने का है, और पूरे मुल्क में रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, इनको छोटे बच्चों में, ख़वातीन में, इन सब में काम करके कम से कम भी 40-50 हज़ार अफराद की एंटीबॉडीज़ चेक करने के बाद हमें सही पता चलेगा कि हमारे यहाँ एंटीबॉडी का लेवल कहाँ तक पहुँचा। WHO की रिपोर्ट आई है एक यू के साथ कि उन्होंने पॉपुलेशन में देखा है, पॉपुलेशन के मुख्तलिफ सेगमेंट को देखा है, तो वो 11% बन रही है। 11% का मतलब क्या हो गया, ये तो ये तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं और वो ठीक भी हो गए हैं। अगर ये हमारी वाली बात, हमारी जो रिसर्च है उसको मान लिया जाए तो समझ लीजिए आपके तकरीबन 5-6 करोड़ अफराद को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए। तो ये बात समझ में आती है क्योंकि हमारे यहाँ ये फैल चुका है, शिद्दत वाला मर्ज़ नहीं है, और शिद्दत वाला मर्ज़ ना होने की वजह से बेशुमार लोग, कोरोना आया उसने इंसानों को छुआ और वो वहीं के वहीं ख़त्म हो गया, क़ुव्वत मुदाफियत के निज़ाम ने उसको काबू कर लिया। डॉक्टर साहब जब ये संगीन सूरत हाल थी उस वक्त ज़ाहिर है कि मर्ज़ नहीं था, बहुत ही मुश्किल कैफियत थी, उस वक्त आपने ये एंटीबॉडीज़ ट्रीटमेंट इनिशिएट किया था अपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज में, कैसा चला ये जो आपका प्रोसेस था, एक्सपीरियंस था, और क्या अपडेट है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल था पाकिस्तान में वो मुकम्मल हो गया, उसके जो अपडेटेड जो रिपोर्ट है, कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट, वो हुकूमत पाकिस्तान को सबमिट की जा चुकी, इदारों को सबमिट की जा चुकी है, और उसके मुताबिक जो हौसला अफजा हमें चीज़ें नज़र आईं वो ये नज़र आ रही हैं कि जिन लोगों को ये COVID-19 का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ICU में जाने के अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर जिनको ये प्लाज्मा लगा उनमें रिकवरी जो है वो तकरीबन 95-96% देखी गई। जिन लोगों में ये 7-8 दिन के बाद लगा उनमें ये रिकवरी जो है तकरीबन 80% देखी गई, और जो क्रिटिकल हो गए और जिनको मल्टी ऑर्गन फेलियर जिनमें डेवलप हो गया तो उनमें 50% से ज़्यादा बेहतरी नहीं आई। पूरी दुनिया का अगर हम देखें इस वक्त अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं उनको प्लाज्मा के ज़रिए उनका इलाज हो चुका है, और जो अमेरिकन FDA है जो कि मुख्तलिफ किस्म के इलाज और दवाओं को मंजूर या गैर नामंजूर करती है मरीज़ों पर, इंसानों पर इस्तेमाल के लिए, वो इस वक्त इवेल्यूएट कर रही है इस सारे 1 लाख से ऊपर मरीज़ों के इस्तेमाल का जो डेटा है उसको इवेल्यूएट कर रही है कि आया कि ये जो इसका इस बात का कोई अच्छा सबूत आ गया है कि इसको इस्तेमाल करने की खुलेआम इजाज़त दे दी जाए, एक मंजूर शुदा मुस्तनद इलाज के तौर पे इसको तस्लीम कर लिया जाए, इसके ऊपर गौर हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में हम कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिलेगी। इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है
वो भी प्लाज्मा के इस्तेमाल को पूरी जो भी उसके मेंबर ममालिक हैं 200 के करीब उनको ये इनक्रेज कर रही है, उसकी गाइडेंस और गाइडलाइंस जो है वो शाये करने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल जो है उसको बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके और उनको इसकी जाने बचाने की कोशिश की जा सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शमसी, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के चोटी के हेमेटोलॉजिस्ट और सरबरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज के। कमर्शियल ब्रेक है, पाकिस्तान की मीशत के अंधे कुएँ हैं और वो अंधे कुएँ हैं जो कि इमरान खान को भी विरासत में मिले हैं और कल कई दहाइयों से मसला जारी है। एक तो पावर सेक्टर के मसले हैं, गर्दिशी कर्जे हैं, फिर कौमी कॉरपोरेशन के मसले हैं और एक नई चीज़ सामने आई है हमारे इंटरव्यू में, इमरान खान साहब ने उसका तफसील से जिक्र किया, पेंशन का बोझ। पाकिस्तान का बजट है 500 अरब रुपये, हुकूमत के हाथ आते हैं 470 अरब रुपये तो पेंशन में देने होते हैं। अजब मामला है, इसकी गुफ्तगू करते हैं छोटे छोटे वक्फे के बाद। वेलकम बैक, पाकिस्तान की मईशत के कई अंधे कुएँ हैं और ये वो अंधे कुएँ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत हमेशा बे इंतहा दबाव में रहती है और ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। यकीनन इन कलीदी चैलेंजेस में इमरान खान हुकूमत का कोई बड़ा रोल नहीं है या वो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। ये तमाम वो मामलात हैं जो उन्हें विरसे में मिले हैं और ये पाकिस्तान की मईशत पे पिछली कई दहाइयों से जारी बोझ है। इनमें सबसे बड़ा मसला तो बहरहाल जिसका जिक्र हम करते रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में वो है अंधा कुआं एनर्जी सेक्टर का, जिसकी मिसमैनेजमेंट और उसके उससे जो मुंसलिक गर्दिशी कर्ज़ों के मसाइल हैं, अगर इस पर अमल नहीं पाया गया तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए तबाही और बर्बादी का मामला होगा, जैसे कि मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख कह चुके हैं। इसके अलावा इस पाकिस्तान में जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जो कि कौमी सरकारी कॉरपोरेशन हैं या जो निजकारी के मामलात हैं, ये फंसे हुए हैं पिछले कई दहाइयों से, आज भी फंसे हुए हैं और ये भी तकरीबन पाकिस्तान के 700-800 अरब रुपये खजाने से चूस जाते हैं। चाहे एनर्जी का मामला हो, चाहे ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का मामला हो या निजकारी के मसाइल हो और ख़ासतौर पर ये जो कौमी कॉरपोरेशन के मामला हैं, हम आसानी कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत का इन मामलात के हवाले से और इन तबाह कुल कैफियात के हवाले से कोई उनका बराए रास्त ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तानी मईशत का बोझ है जो पिछले कई दहाइयों से जारी है। इसी दौरान हमारे मंगल को वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू के दौरान गो के ये एक तल्ख हकीकत है और इसी अंदाज का एक अंधा कुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इसका जिक्र नहीं होता और वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इसका जिक्र किया। मईशत का एक और अंधा कुआ और वो ये कि 470 अरब रुपये सालाना पेंशन का बोझ है जिसके हवाले से कई दहाइयों तक हुकूमतें हाथ पे हाथ धरी बैठी हैं, मुसलसल इसमें इजाफा होता जा रहा है और अब इमरान खान को इससे भी निमटना है। ये भी वो मामला है जिससे को उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बहरहाल विफाक को लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका अंदाज़ा लगाइए कि विफाक को चलाने के लिए 500 अरब रुपये दरकार होते हैं, पेंशन की अदायगी के बाद यानी कि 470 की अदायगी के बाद 30 अरब रुपये बचते हैं, लिहाजा विफाक को चलाने के लिए कर्जों पर इनसार करना पड़ता है। पेंशन के बोझ को वज़ीर आज़म इमरान खान मईशत का एक बहुत बड़ा मसला करार देते हैं और बिल्कुल सही करार देते हैं। पाकिस्तान डूब रहा है पेंशन के नीचे, इन्होंने गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के अंदर इतने लोग भर्ती कर दिए, सियासी भर्तियां इतनी ज्यादा कर दी हैं। आप सिर्फ PTV ले लें, और तो चले छोड़े ना, PTV का इस वक्त 14 अरब रुपया सिर्फ पेंशन्स देनी है। इसी तरह आप रेलवेज देख लें, वहाँ जिस तरह भरे हुए हैं, PIA के अंदर ओवर स्टाफिंग देख लें, इन दोनों के दौर में लोग भर, उनकी पेंशन्स आप देख लें। हमारा 500 अरब रुपया हमारा बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, तकरीबन 460 अरब रुपया पेंशन हैं, तो ये इतना बड़ा और इसके लिए कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। तो ये तीसरा चैलेंज है जिसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं कि एक पेंशन फंड बनाए हैं जिसको हम इन्वेस्ट करें। हमारी पूरी कमेटी बनी हुई है, कोविड की वजह से थोड़ा स्लो हो गई क्योंकि इसके लिए हम बड़ी एक्सपर्टीज चाह रहे हैं, दुनिया में पेंशन फंड्स हैं। पेंशन से मुतालिक हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून आज भी राइज है, जिसके तहत सरकारी मुलाजिम मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायरमेंट पर हुकूमत से न सिर्फ ताहयात पेंशन वसूल करता है बल्कि उसके इंतकाल की सूरत में उसकी बेवा और दो नस्लें उसकी पेंशन से फैजियाब हो सकती हैं। एक अंदाज़ा यह है कि 25 साल की मुलाजमत के बाद 75 साल तक सरकारी मुलाजिम और उसके ख़ानदान हुकूमत से पेंशन वसूल कर सकते हैं।
विफाक के पेंशन के 470 अरब रुपए के अखराजात में से एक बड़ा हिस्सा मुसल्ला अफवाज के रिटायर्ड मुलाजमीन को भी जाता है, दूसरे विफाकी और सूबाई मुलाजमीन की तरह से। और इस वक्त हालात ये हैं कि विफाक और सूबाई हुकूमतों की पेंशन की रकम मिलाकर जो पाकिस्तान की टैक्स आमदन होती है उसका 20 से 25% बन जाता है, और आप इसको कह सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये मईशत का एक और अंधा कुआं है और एक और वो बड़ा चैलेंज है जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही कलीदी मामला है जो कि बहुत ही मीडिया में उसकी खबर नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा तशहीर नहीं है, आवाम बहुत ज़्यादा आगाह नहीं है, इसको मज़ीद हाईलाइट करते हैं। और पाकिस्तान में मईशत के उमूर के और कौमी मईशत के उमूर के सबसे मुस्तलद माहिरीन में से एक साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वक़ार मसूद खान हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। फरमाइएगा, ये तो बहुत ही संगीन सूरत हाल है कि हमारी जो महसूलात की आमदन है उसका तकरीबन 20-25% इधर चला जाता है, बजट में से 95% जो है ये पेंशन ले जाती है। कभी इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है कि ये नाकाबले बर्दाश्त बोझ है और शायद मईशत कभी इस बोझ के तले तहस नहस ही ना हो जाए। खान साहब सलाम अलैकुम, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज़ करूँगा कि यकीनन ये बहुत बड़ा कुआं है और अगर इसकी सफाई भी हो जाएगी तो इसमें एक तरह की मयाना रवि आ जाएगी, ये ख़त्म होने वाली बात तो नहीं है। इसमें मसला ये है कि माजी में भी इस पर कई दफ़ा काम हुआ है लेकिन पेंशन से ऐसे मफादात जुड़े हुए हैं कि वो काम आगे नहीं बढ़ता। मैं आपको बताऊंगा, 2001 में मैं खुद उस अमल में शामिल था जब हमने तय किया कि अब जो नए सर्विस में आने वाले हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड की तरफ जो है या कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन की तरफ जो है, ये डिफाइंड बेनिफिट्स मुख्तलिफ नाम हैं, उसकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन उसकी पजियाई नहीं हुई, मतलब सिस्टम में ये चीज़ इतनी ज़्यादा रास्ख हो गई है और सराइयत कर गई है कि वो नहीं हो सकी। अब मुझे खुशी है कि इस हुकूमत को इसका एहसास है। बहुत अरसे के बाद हमारे मुल्क में एन पेंशन कमीशन जो है वो तश्कील दिया गया है। वो कोविड की वजह से शायद उसने अभी अपना काम नहीं शुरू किया है, लेकिन यही एक रास्ता है जिसके तहत हम बिल आखिर इस पेंशन, ये इस वक्त पेंशन जो है कामरान साहब, इसको हम कहते हैं अनफंडेड पेंशन, यानी हर किसी की पेंशन एक्रू हो रही है और वो जमा कहीं भी नहीं होती, और जब उसके रिटायरमेंट का वक्त आता है तो उसका मिसाल के तौर पर 25% जो है वो कम्यूटेशन में यकलख्त चला जाता है और फिर एक पेंशन जो है माहाना उसको मिलनी शुरू हो जाती है, और जैसा आपने बताया कि वो 25 साल तक इसको ले सकता है, तो और उससे भी ज़्यादा तवील उम्रों में, माशाल्लाह जो हमारी औसत उम्र है वो भी बढ़ रही है, और फिर ये कि बेवा भी होती हैं और जो कुछ एक आध बच्ची जो इसकी शादी ना हुई भी हो वो भी शरीक हो जाती है। तो इन सब को जो है बदल कर हम फंडेड पेंशन लेकर आने का प्रोग्राम जो है, यकीनन जब ये तश्कील ये कमीशन काम करेगा तो उसे की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका मतलब ये होगा कि एक हिस्सा जो है वो एम्प्लॉयर देगा और एक हिस्सा एम्प्लॉई देगा, तो और फिर वो जो कंट्रीब्यूशन होगा एक पेंशन फंड में चला जाएगा और वहां से उसमें सरमायाकारी होगी, जैसा वजीर आजम को अभी आपने अपने उसमें दिखाया उनका वो शॉट, तो वो बता रहे कि दुनिया के अंदर ये राइज अमल है और इससे जो है पेंशन जो है वो उन्होंने, डॉक्टर साहब उन्होंने मिसाल दी मलेशिया की, और जाहिर है कि पेंशन तो तमाम दुनिया में राइज है लेकिन उसके कुछ मुरवजा तरीके हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पे एंड पेंशन कमीशन बना है और इससे पहले कभी इस पर कोई ठोस काम हुआ नहीं, और ये पहाड़ जो है ये पेंशन का हुकूमतों ने जमा होने दिया, और जैसे कि हम कहते हैं तनकीद भी करते हैं मौजूदा हुकूमत की, मगर ये तमाम मामलात जिस हुकूमत की गोद में पड़े हुए हों, जिसमें ये एनर्जी का मामला है या स्टेट ओन कॉरपोरेशन का मामला है और ये पेंशनस का नई चीज़ सामने आई आवाम के सामने, तो क्या नहाएंगे और क्या निचोड़ेंगे ये तो। लेकिन दुनिया में तो ये एक मुरवजा तरीका है ना कि किस तरीके से पेंशन को मैनेज करना है। देखिए खान साहब, दुनिया भर के अंदर, यानी वहाँ पर भी मसाइल हैं, यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी,
कि लोगों की जिस तरीके से औसत उम्र बढ़ रही है तो वो अपनी पेंशन जो है ज़्यादा अरसे जो है वसूल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर लोगों की जो काम करने की उम्र है उसको बढ़ाएं, क्योंकि वो मौजूदा जो उनके रिटायरमेंट एज है उसके बाद जो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो उस पेंशन पर डिपेंड कर रहे हैं जो गारंटीड है। तो वहाँ भी जो है इस पर आप अक्सर देखते हैं फ्रांस में जो झगड़े हो रहे होते हैं वो इसी वजह से हो रहे होते हैं कि ये जो हुकूमत की तरफ से लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हुकूमत के माली वसाइल इस काबिल नहीं है कि इनको सह सके। अमेरिका के अंदर भी अब जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं वो पूरे नहीं हैं, और अमेरिका को यानी हुकूमत को अपनी जेब से डालने पड़ेंगे कि सोशल सिक्योरिटी फंड को जो है उसके जो मुतालबात अब आने वाले हैं आइंदा एक चार पाँच साल में वो खुद से पूरे नहीं हो सकते। तो डॉक्टर साहब फिर इसके सिर्फ हल पेंशन फंड है या ये कि हमें ये देखना है कि क्या इतने मुलाज़मीन की हमें ज़रूरत है या नहीं, और फिर जो नए मुलाज़मीन आए उनकी टर्म्स ऑफ जो रिक्रूटमेंट है या जो उनकी सर्विसेज की के जो जो स्ट्रक्चर्स है उसमें भी तो बुनियादी तब्दीलियां करनी होंगी, और शायद जो मौजूदा हुकूमत होती है वो सोचती है इसका बराह रास्त हमें क्या फ़ायदा होगा, तो आने वाली नस्लों का फ़ायदा होगा, तो इसलिए ये मसाइल हैं। लेकिन ये कि ये जो जो एक जम्मे गफीर है और एक फौज दर फौज है हमारी मुलाजमीन की, इसको भी तो रैशनलाइज करना होगा। बहुत ज़रूरी है। देखें जैसे वहाँ पर पीटीवी की एग्जांपल दी, आप रेलवे की देख लें, रेलवे को 40 अरब रुपए बजट से जाते हैं पेंशन की खातिर, ठीक है जी। तो लिहाजा ये तमाम जो कॉरपोरेशंस हैं ये भी अपना बोझ जो है, और आए दिन जो है मतलब अदालतों से भी फैसले आ जाते हैं, बाज़ लोग जिनकी इब्तदाई मुलाजमत जो है उसके अंदर पेंशन का कोई उनवान नहीं था लेकिन हमदर्दी की बुनियाद पर जो है ये भी जाता है कि एहसास है कि मैं ये कहते हुए मेरी कोई तोहीन अदालत का पहलू ना निकले, लेकिन ये जो है सिलसिला इसमें लोगों को भी कम करना होगा, और साथ में जो नया मैंने निज़ाम आपको बताया कि फंडेड पेंशन होनी चाहिए। फंडेड पेंशन का मतलब ये है कि एक हिस्सा एम्प्लॉय देगा और एक हिस्सा जो है वो जो एम्प्लॉयर है यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो देगी, और ये पैसे एक तरफ को चले जाएंगे, फिर गवर्नमेंट के ऊपर कोई अनफंडेड लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन कामरान साहब ये हम आज से शुरू कर सकते हैं और इसका फायदा जाकर 20-25 साल के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आज जो लोग पहले से मौजूद हैं उनके हम टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं बदल सकते। यकीनन अब तो नई मुलाजमतें अगर हम दें तो उसके अंदर फिर इन टर्म्स एंड कंडीशंस को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर यही है जैसा कि आपने भी फरमाया, मैं पहले सोच रहा था कि ये अभी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगले 25-30 साल बाद पाकिस्तान को ये फ़ायदा अक्रू होना शुरू होगा। और सर कौमी ज़िंदगी के अंदर तो ये कोई अरसा नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। पिछले चंद रोज से पहले कई महीनों से ये तासुर आम था और ये ख्याल था और ये सियासी हलकों में इस बात पे मुसलसल गुफ्तगू होती थी और इस बात पे इतफाक था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के दो चोटी के रहनुमाओं पीटीआई के दो अहम तरीन साबिक सतूनों के दरमियान ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और उनके सबसे कलीदी साथी जहांगीर खान तरीन इनके दरमियान ताल्लुकात अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं, ये तसव्वुर था लेकिन ये सूरत हाल बदली है और पिछले चंद ही दिनों में तेज़ी से बदली है। वज़ीर आज़म इमरान खान और जनाब जहांगीर तरीन का इंटरव्यू, इमरान खान साहब का मंगल को और कल जनाब जहांगीर तरीन साहब के जो इंटरव्यूज़ मैंने किए, इन दोनों शख्सियात से इनके बारे में जो बात की उसके बाद जो सूरत हाल निकली है उसमें जो कैफियत नज़र आई है
उसमें जिस किस्म के गर्मजोशी के जज्बात का इजहार हुआ है, इससे लगता है कि ये बात शायद दुरुस्त नहीं है और दोनों सतूनों में दरारें इतनी गहरी नहीं हैं जो पुर ना हो सके या जितनी के तसव्वुर की जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब मेरे इस इंटरव्यू में, जो यकीनन एक बहुत ही तफसीली इंटरव्यू था, जनाब जहांगीर खान तरीन का जिक्र बहुत ही दर्दमंदाना आवाज़ में किया, बहुत ही दर्दमंदाना अंदाज में किया। उनको अपनी सियासी जद्दोजहद का अजीम साथी, अपना करीब तरीन दोस्त करार दिया। जवाबी जज्बात जो कल आपने हमारे इस इंटरव्यू में देखे, जहांगीर तरीन ने इंतहाई गहरे रिश्तों की बात की और कहा हमारा जैसा ताल्लुक था ये दरारें ख़त्म हो जाएंगी। और ये पिछले आपने देखा कि चंद दिनों के अंदर ये कैफियत यकसर बदली है, जनाब जहांगीर खान तरीन और इमरान खान के दरमियान जो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत ही मायने खेज पेशरफ्त है। पहले तो मैं ये कहूँ कि जहांगीर जो मेरी स्ट्रगल थी पिछले 7-8 साल में, जो मेरे साथ जिसने सबसे मेहनत की थी वो जहांगीर तरीन। हमारा बड़ा ताल्लुक था, जो हमने इकट्ठे स्ट्रगल किया है वो पार्टी के लोग भी जानते हैं, मगर इसकी जो गहराई है वो सिर्फ मैं और इमरान खान जानते हैं। इसकी मुझे अफसोस बहुत हुआ, अफसोस इसलिए हुआ कि मेरे करीब सबसे, बल्कि मेरी अगर पॉलिटिकल लोगों में दोस्ती थी तो वो तो जहांगीर तरीन से थी, तो उसके अंदर अफसोस हुआ मुझे। अफसोसनाक बात है कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं, दुख उनको भी है, दुख मुझे भी है। हम दो आदमी थे जो इकट्ठे होते थे, रोज रोज जाके वहाँ पे काम करते थे, तो ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है। मुझे बहुत याद आती हैं वो चीज़ें और मुझे अफसोस बहुत है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जहांगीर बाकियों से बहुत आगे हैं हर तरह, उनके जो काम करने, उनकी सलाहियत, उनकी मैनेजरियल स्किल्स, बाकी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब मेरा तो कारोबार सबसे बेहतरीन साफ पता लगता है कि मैं गन्ने की पेमेंट बैंक अकाउंट में जाती है, सब हिसाब सकते हैं कि जी कितने का गन्ना लिया और किससे गन्ना लिया, कोई ना मार्क मिडिल मैन है ना कोई कुछ है, तमाम ग्रोअर पेमेंट जो है वो बैंक अकाउंट में जाती है डायरेक्टली और CPR 100% होती है। इस वजह से मेरा कारोबार की तरक्की हुई है। वो तो खैर अभी गिल्टी तो नहीं डिक्लेयर किया, जो फाइंडिंग्स हैं कमीशन की वो इदारों के पास चले गए या वो फैसला करें। कमीशन की रिपोर्ट में इंक्वायरी में मैं इंशाल्लाह सुरखरू होऊंगा, तो खान साहब को जिस दिन पता लगेगा ना कि मेरी कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे इंटरव्यू में जहांगीर खान तरीन का मुसलसल इसरार था कि इमरान खान को दरअसल उकसाया गया है, चीनी बहरान में उनका कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा आटे और गंदम में क्या हुआ, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जहांगीर तरीन ने यह सवाल उठाया कि देखना बहरहाल ये चाहिए कि उनको और इमरान खान को जुदा करने में फ़ायदा किसका हुआ है। वो कौन लोग हैं जिनको फ़ायदा हुआ मेरे और इमरान खान के ताल्लुक जो हैं वो ख़राब हो गए, कि हमारे बीच में जो दरार पड़ी आखिर किसी के कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। ये वो लोग हैं जो अभी भी ड्राइव कर रहे हैं कि ये कोई ना कोई चीज़ मेरे पे लगा दें, और ये इंशाल्लाह ताला मैं भी मुकाबला कर रहा हूँ। तो अगर मेरे और इमरान खान में दरार पड़ गई है और मैं अब पार्टी में इतना एक्टिव नहीं हूँ तो नुकसान किसका है, मेरा भी नुकसान है मगर शायद थोड़ा पार्टी का भी नुकसान हो, तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं अब नहीं कर सकता, तो ये सोचने की बात है। दुख तो मुझे भी है और मसला मुझे भी है, मगर इमरान खान को क्या, मेरे और उनको जुदा करने में किसको फ़ायदा हुआ? असल बात यह है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि हम, मैं और इमरान खान अगर जुदा हो गए हैं और मैं अब नहीं काम कर सकता, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो नुकसान उधर भी तो हो रहा होगा। मगर मैं आपको ये भी बता दूँ, मुझे यकीन है कि जिस तरह की गहरा ताल्लुक मेरा और इमरान खान साहब का था, ये दरारें भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। यकीनन ये कौमी अहमियत का मामला है कि हुक्मरा जमात के अंदर इत्तहाद रहे, मुत्तहिद रहे, टूट फूट का शिकार ना हो, क्योंकि ये हुक्मरा जमात है और पाकिस्तान के मौजूदा हालात का, मुस्तकबिल का ताल्लुक हुक्मरा जमात से है। और ये जो इस कैफियत नज़र आई है जिसमें कि हुक्मरा जमात में इंतशार किसी कैफियत या ग्रुप बंदियों की बात हुई है, यकीनन ये कौमी मफाद का मामला नहीं है। लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल उभर रही है, ख़ासतौर पर जनाब जहांगीर खान तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान, उसमें जो पिछले चंद दिनों में जो हमारे दो इंटरव्यूज़ हुए उसमें जो बेहतरी नज़र आई है, क्या वाकई वो ठोस बेहतरी का एक पेशखेमा साबित हो सकती है और हालात में बेहतरी हो सकती है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी, हमारे साथ मौजूद है जनाब इमरान खान के बहुत ही देरीना रफीक हमेशा से रहे हैं, अब वफाकी काबीना में उनके साथ शरीक है। जनाब जहांगीर खान तरीन से भी बहुत ही करीबी ताल्लुक रहा है। जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, दोनों इंटरव्यूज़ आपने देखे, इमरान खान साहब ने पहली बार पब्लिकली जहांगीर तरीन साहब के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया, जो कि शायद बाज़ लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग उनका रिएक्शन था, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था बहुत से लोगों के लिए। और जहांगीर तरीन साहब तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए, वो पूरी सूरत हाल जो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से
आप देखी है, ये क्या वाकई आपको लग रहा है कि सूरत हाल बहुत बहुत मौसर अंदाज में चेंज हुई है पिछले चंद दिनों में? देखिए, पहली बात तो ये है, कामरान खान साहब आपने बहुत ही तफसीली इंटरव्यू किया और मेरे ख्याल है दो साल में इससे ज़्यादा तवील बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी किसी और टेलीविजन में या कहीं पर नहीं की है, और जो ढाई घंटे में उनकी पूरी जो सोच है, पूरी जो पॉलिसी है वो आप सामने लेके आए, और यकीनी तौर के ऊपर उससे बहुत काफ़ी सारे जो मामलात हैं उनके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच है वो उसका जो है वो इजहार हुआ। जहाँ तक बात यह है, देखिए पहली बात तो यह है कि पार्टी में टूट फूट वगैरह का तो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, क्योंकि वोट ना फवाद चौधरी का है, ना जहांगीर तरीन का है, ना असद उमर का है, ना शाह महमूद कुरैशी का है, वोट तो इमरान खान का है। और ये जो तमाम लोग पीटीआई में इलेक्ट होके आए हैं, हम लोग जो आए हैं, हम इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेके आए हैं, और इसलिए ये किसी का इस मामले के ऊपर तो किसी को कोई गलत फहमी नहीं है कि ये कोई वोट टूट जाएगा या टूट फूट हो जाएगी। अब जो दूसरी बात, अलबत्ता ये बात सही है, मैं देखिए जहांगीर तरीन साहब के साथ 2015-16 से मैंने जब पीटीआई में बहुत मैंने करीब से काम किया है, और बहुत आपको मालूम है कि जब पैनामा में और उस वक्त सारे जो मामलात थे वो जाहिर है कि बहुत हमने 24/7 हमने जो है वो मिल के काम किया, तो मैंने देखा है कि किस तरह से जहांगीर तरीन साहब काम करते हैं, किस तरीके से उन्होंने पार्टी को जोड़ा, उनका एक जो पॉलिटिकल एक उनका आइडियाज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत फ़ायदा हुआ उस वक्त, ज़ाहिर है चेयरमैन पीटीआई जो थे, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो तरीन साहब के हैं वो पार्टी में शायद ही किसी और के पास हो, और जिस तरीके से उन्होंने चेयरमैन ऑफिस को ऑर्गेनाइज किया, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, और फिर जिस तरीके से एक हमने इलेक्टेबल्स और पार्टी के दरमियान एक रिश्ता कायम किया, वो जहांगीर तरीन साहब की बहुत बड़ी उसमें कंट्रीब्यूशन है, और इसमें कोई शुबा ही नहीं कि आज अगर पीटीआई की हुकूमत है तो उसमें जहाँ और बहुत से लोगों का अपना अपना हिस्सा है, वहाँ जहांगीर तरीन साहब का बहुत बड़ा रोल है और उनका बड़ा किरदार है। जहाँ तक आपने आपके इंटरव्यूज का ताल्लुक है, देखिए इमरान खान को जहांगीर तरीन साहब से ज़्यादा कोई नहीं जानता, और उनको खान साहब से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अब ये बात बिल्कुल वाजे थी कि इमरान खान अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे, चाहे वो मैं होऊंगा, असद उमर होंगे, तरीन साहब होंगे, शाह साहब होंगे, इमरान खान ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो किसी को फ़ोन करें कि इनको इस इल्ज़ाम से क्लियर कर दें, या वो ये सिफारिश करें कि नहीं आप किसी को अनड्यू दें। ये बात तरीन साहब को भी पता है, बाकी सब लोगों को भी पता है, और ना ही इमरान खान से किसी को ये उम्मीद होगी फ्रेंकली कि वो ये फ़ोन करेंगे कि आप इनको क्लीन चिट दे दें चाहे वो गुनाहगार हैं या नहीं है। ये बात इमरान खान कभी नहीं करते, और इसीलिए मुझे कल जब आपका इंटरव्यू मैंने देखा तरीन साहब से, तो तरीन साहब की इसलिए ही आप समझिए कि कोई नेगेटिविटी खान साहब के बारे में नहीं आई, क्योंकि उनको पता है उनके स्टाइल का, उनको पता है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगेगा तो प्राइम मिनिस्टर से उनकी ये तवक्को ही नहीं है कि वो फ़ोन करके कहेंगे कि तरीन की ये मदद कर दें या नहीं करेंगे। सो जहाँ तक यकीनी तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, एक ज़ेली इदारे ने जो है वो कोई कार्रवाई की है, तो एक पब्लिक तासुर तो ज़रूर ये जाता है कि ये एक पर्सनल रिफ्ट है। बट कल के जो इंटरव्यू है और इससे पहले जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू किया, उससे ये बात सामने आई है कि पर्सनल इशू जो है वो नहीं है, एक मेरिट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर वो क्लियर होते हैं और जो इसमें अच्छी बात मैंने ये देखी कि जहांगीर तरीन साहब ये नहीं कहते कि उनके खिलाफ तहकीकात ना हो, जो भी तहकीकात हो रही है वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो साबित करेंगे कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं। लेकिन एक तासुर आपने देखा आया है, वो ये समझते हैं कि कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के कान भरे या ये कि उनकी उनसे दूरी में कॉन्ट्रीब्यूट किया, और जो आपकी पार्टीज में इस पार्टी में इस हवाले से बातचीत अब आम नॉलेज में है, उसने उसमें एक किरदार अदा किया जो कि तरीन साहब ये समझते हैं कि उनके साथ शायद उस पहलू से ज्यादती हुई है। देखिए बात यह है कि पार्टीज में डेफिनेटली मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स होते हैं, और हमेशा एक इंटर पार्टी पावर स्ट्रगल भी पार्टीज में रहती है कि इंटर गवर्नमेंटल
जो स्ट्रगल है वो भी पार्टीज में रहती है और लोगों की ख्वाहिश होगी, मेरी भी ये ख्वाहिश है, बाकियों की भी ख्वाहिश होगी कि जी हमें ज्यादा अहमियत मिले फैसला साजी में और हमें ज्यादा पूछा जाए। वो एक जो बहस है वो तो चलती है और वो तो एक नेचुरल है कि वो हर गवर्नमेंट्स में और हर पॉलिटिकल पार्टीज में वो एक स्ट्रगल जो है वो रहती है। लेकिन असल में जो बात देखने वाली है वो, और जो मैं दोबारा ये कहूँगा कि आपके इंटरव्यू से जो बात जो है वो बिल्कुल सामने वाजे आती है कि पर्सनल रिगार्ड जो है वो ना तरीन साहब का इमरान खान के लिए कम हुआ है और ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब का गुफ्तगू देखा कि उसमें एक बाकायदा दर्द था जो आया था और कितने खुल के उन्होंने तरीन साहब की तारीफ की और उनकी जो 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 खिदमात है उनको रिकग्नाइज किया उन्होंने। नहीं देखिए इसमें तो कोई शुबा ही नहीं ना, आप जो भी लोग पीटीआई की जो एक स्ट्रगल है या पीटीआई का जो पूरा एक आप समझिए कि एक मैकेनिज्म है जिससे कि पीटीआई गवर्नमेंट में आई है, उससे जाहिर है कौन इनकार कर सकता है तरीन साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन से और इस बात से कि जो रोल उन्होंने अदा किया, और जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसको रिकग्नाइज भी करते हैं और उसका रिगार्ड भी करते हैं, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं। अच्छा चौहान साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल के इंटरव्यू के बाद मुझे जहांगीर तरीन साहब जो कि ज़ाहिर है बहुत कंसर्न है इस चीज़ के अंदर कि उन पर इल्ज़ाम लगा शुगर के हवाले से, और फिर ज़ाहिर उसकी बड़ी वजह यह है कि मुल्क में चीनी की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी इस साल के शुरू में और गुज़श्त साल के आखिर में, और उसकी पूरी वजूहत हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त जो कैफियत है। जहांगीर तरीन साहब का इसरार है कि मैंने वॉर्न किया था, मैंने जो भी जितने भी फोरम मेरे पास अवेलेबल थे कि देखे सामने ये मसला आ रहा है, इस तरह से आएगा, इसका ये हल है और इसको आप फौरी तौर पे एक्शन ले। और जब मैंने वो फुटेज देखी तो वो मुझे वाकई बहुत ही एक प्रोफेटिक उनकी वो सेइंग लग रही है कि उसमें साफ उनको लग रहा था कि आगे क्या हो रहा है, और उन्होंने क्योंकि इसमें बात की है कि मैंने ये हुकूमत के सामने रखी और मैंने कहा कि इसको कैबिनेट से आप अप्रूव करा ले, तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कितनी मालूमात है इस हवाले से। जहांगीर तरीन साहब ने ये बात फरवरी को की थी इसी साल। चीनी की अगर आपको चाहिए कि कीमतें नीचे आए, इम्पोर्ट के ऊपर तमाम ड्यूटी हटा दें, आप चीनी को इम्पोर्ट होने दें, नेचुरल कंपटीशन होगा हम यहाँ की मैन्युफैक्चर चीनी से और चीनी का रेट स्टेबल हो जाएगा। मैंने ये तजवीज़ दी थी मगर जिन लोगों ने फैसला कर रहे थे मैं कभी ना मैं नहीं होना, ये भी कई हैंडीकैप होते हैं। इशू क्या है, वो कहते हैं स्टॉक्स बहुत हैं इस वक्त, हाँ भाई हैं, मानते हैं स्टॉक्स हैं, मगर आपने मार्केट को सिग्नल देना होता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आज से 6 महीने बाद भी शॉर्टेज हो जाए चीनी की। और हमें मालूम है कि क्योंकि गन्ना कम था, रिकवरी कम है, इस साल आपको चीनी इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, अभी से कर लें ताकि आपकी कीमतें आज से ही रुक जाए। बना बड़े वाजे अंदाज में जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात की थी कि फरवरी में कि आप अभी से इशारा दें कि हम चीनी इम्पोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट करने के हवाले से इकदामात शुरू कर दें, और ये क्योंकि उनका जाहिर है कि उनसे ज़्यादा किसी का तजुर्बा नहीं है, ये मार्केट्स को सूद करना शुरू कर देगी। मगर इसरार ये रहा हुकूमती लोगों का कि हमारे पास बहुत स्टॉक्स हैं, अभी हम ये बात नहीं कर सकते, और जाहिर है कि फिर एक इसका एक बहरान पैदा हो गया और फिर जो हुआ वो तो सब दुनिया देख रही है। बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा कामरान साहब, ये एक बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के साथ। मैं आपको बताऊं कि मुझे पता है कि जब राजा परवेज अशरफ साहब मिनिस्टर थे पावर के, तो उस वक्त उनको बताया गया कि अगले 6 महीनों में हम इतने ये प्लांट्स लग रहे हैं और बिजली पूरी हो जाएगी, तो आप ऐलान कर दें कि हम इंशाल्लाह 31 तक हमारी बिजली पूरी हो जाएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया, उसके बाद बिजली ना सिर्फ ये कि पूरी ना हुई और सारा एक मामला जो है चलता गया। मैं बड़े तवील अरसे से मुझे मौका मिला है मुख्तलिफ हैसियतों में गवर्नमेंट्स को बड़े करीब से मुझे देखने का मौका जो है वो मिला है। मैं देखता हूँ कि हमारा जो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन्स हैं वो जो डाटा मिनिस्टर्स को फराहम करती हैं फैसला करने के लिए वो बहुत ही कमज़ोर है। और ये जो तरीन साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया ये भी एक उसी फंडामेंटल प्रॉब्लम का इजहार है। जब आपको बताया जाता है कि वजीर को ये बताया जाता है जिसने फैसला करना है कि देखिए इतनी ज्यादा चीनी हमारे पास एक्सेस पड़ी हुई है, अगर हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करते तो देखिए हमें गोदाम के भी पैसे पड़ रहे हैं, ये चीनी खराब भी हो जाएगी, और आप कहते हैं कि चलिए ठीक है इसको एक्सपोर्ट कर दें, हमने रख के क्या करनी है, और बाद में पता चलता है कि एक्चुअली तो वो जो आपको डाटा दिया गया था वो गलत था, तो लिहाजा आप सारी डिसीजन मेकिंग का बोझ मिनिस्टर पे आ गया
और नीचे वालों को जो है वो फिर वो उस वो वहीं के वहीं रहे। जहांगीर तरीन साहब ने अपने तजुर्बे से ये बताया था कि जो आपके स्टॉक्स हैं इस पर प्रेशर आएगा, और फिर उसकी पूरी उन्होंने तफसील भी दी थी इसी इंटरव्यू के अंदर, और फिर उन्होंने कहा था कि आप ज़रूरी है कि अब आप इम्पोर्ट की बात करें और इम्पोर्ट के हवाले से जो भी अमली इकदाम हैं आप लें ताकि मार्केट को ये पता चले कि बाहर से शक्कर आ रही है, और फिर जाहिर है कि होल्डिंग ना हो और इस हवाले से वो मार्केट पे फेंकना शुरू करें और ये कीमतें नहीं बढ़ती इतनी। अब देखें ना, ये तो बेकाबू कीमत है, 110-115 रुपये तो एक नाकाबले बर्दाश्त मामला है। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन चूंकि आप फैसला कर लिया वो तो खैर नीचे आ जाएगी, मेरा ख्याल है प्राइस अगले आप देखेंगे चंद हफ्तों में ये प्राइस जो है वो नीचे गिरेगी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का जो एनालिसिस है वो इसलिए आपने जिस तरह से खुद बात की, जाहिर है कि इस मार्केट को उनसे ज्यादा पाकिस्तान में समझने वाले लोग बहुत कम है। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर का मामला है उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव जिम्मेदार, उनसे ज्यादा मॉडर्न काश्तकार जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम है, और उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में खसूसी तौर के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बिल्ड किया। लेकिन जिस हैंडीकैप का उन्होंने खुद भी जिक्र किया कि वो कैबिनेट में चूंकि नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो मसाइल हैं वो उनको उनका सामना आना पड़ा, और फिर कई दफ़ा जो एक रिकंसलेशन होनी चाहिए थी वो रिकंसलेशन नहीं हो सकी उनके एनालिसिस की और गवर्नमेंट के इदारों के एनालिसिस की, या और भी कई वजूहत होंगी जो शायद टीवी के ऊपर बंदा इस वक्त बताना शायद नहीं होगा। लेकिन इशू यही है मेरी नज़र में कि तरीन साहब को भी अच्छी तरह एहसास है कि अगर इल्ज़ाम लगेगा वो आप देखिए, और ये पहला मौका नहीं है। आप देखिए अलीम खान साहब के साथ हुआ, वो गए उन्होंने रिजाइन किया, वो नैब में उन्होंने केस लड़ा वापस आए। सप्तान साहब के साथ हुआ, उन्होंने रिजाइन किया वापस आए। बाबर रवान साहब के साथ हुआ, उन्होंने रिजाइन किया वापस आए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बिल्कुल डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, इसलिए उनको किसी कोई भी शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर ना उनसे तवक्को करेगा ना उनको ब्लेम करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे बहुत अहम मौजूद उठ के सामने आया, नवाज शरीफ साहब का जिक्र अभी काफ़ी पब्लिक में नहीं था और कोई उनका बात नहीं करती थी नहीं होती थी, लेकिन अचानक अब उनका मामला सामने आ गया है, और वो ये कि जाहिर है कि हालिया दिनों में कोई एक्टिविटीज़ है जिसके बाद जनाब नवाज शरीफ के जो कानूनी इस वक्त स्टेटस है उस पर बात हो रही है। बज़ाहिर ये लगता है कि नैब अदालत अगले चंद दिनों में उनको इश्तहारी करार दे देगी, उनका लीगल स्टेटस क्या होगा और उनका सियासी मुस्तकबिल लंदन में क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। कौमी सियासत का एक अहम मौजू बन रहा है और उसका ताल्लुक है साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के हवाले से, क्योंकि अभी तक वाज़ह नहीं है कि वो मुलज़िम हैं या मुजरिम, मफरूर हैं या इश्तहारी, ज़मानत पर हैं या तिब्बी सज़ा मुअत्तली पर हैं। पिछले साल 19 नवंबर यानी पूरे 9 महीने से लंदन में जनाब नवाज शरीफ मुकीम हैं, और नवाज शरीफ का नैब केसेस में जो इस वक्त स्टेटस है वो काफ़ी गड़बड़ होकर रह गया है, कानूनी पोजीशन बहुत ही इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। लेकिन लग रहा है कि जल्द नवाज शरीफ मफरूर इश्तहारी डिक्लेयर होंगे और फिलहाल लंदन ही में वो रहेंगे, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो फौरी तौर पर ना आने वाले हैं और ना ही ये कि जो कानूनी कार्रवाई है उसमें कोई रुकावट आएगी। कल नवाज शरीफ ने खुद को एहतसाब अदालत से तोशाखाना रेफरेंस में इश्तहारी करार देने की कार्रवाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। ये बहुत ही मीनिंगफुल डेवलपमेंट है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अथर मिनल्ला ने दरख्वास्त खारिज करके वकील से पूछा कि क्या किसी खास वजह से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, नवाज शरीफ की जमानत का स्टेटस क्या है। इस पर नवाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया, मुझे बस हिदायत यह है कि दरख्वास्त वापस ले लूँ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 7 जुलाई को तोशाखाना रेफरेंस में नोटिस जारी किया था कि नवाज शरीफ जानबूझकर कानूनी कार्रवाई से मफरूर हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को बजाते खुद जवाब देने और मफरूर इश्तहारी होने से बचने के लिए 17 अगस्त तक की मोहलत दी थी। अदालती हुक्म के बाद नैब ने नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का नोटिस मॉडल टाउन और जाती उमरा के घरों के बाहर चश्मा किया था। अदालती मोहलत खत्म होने से 2 रोज कबल 15 अगस्त को नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि वो फरार नहीं हुए बल्कि बैरून मुल्क इलाज के लिए मुकीम हैं। इस दरख्वास्त की बुनियाद पर एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 25 अगस्त तक इश्तहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। इस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना और मीर शकीलुरहमान को एराजी अलाटमेंट के रेफरेंस जेर समात है। एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी सजा सितम्बर 2018 से मुअत्तल है। चौधरी शुगर मिल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियाद पर गैर मशरूत जमानत पर रिहाई मिल चुकी है।
जबकि अलजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तिब्बी बुनियाद पर 8 हफ्तों के लिए सजा से खलासी मिली थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुक्म दिया था कि अगर तबीयत में बेहतरी नहीं आती तो सजा मौतली में तौसी के लिए हुकूमत पंजाब से राब्ता किया जाए। तिब्बी बुनियाद पर सजा मौतली पिछले साल 20 दिसंबर को ख़त्म हो चुकी है, जबकि नवाज शरीफ 9 महीने से इलाज की गर्ज से लंदन मुकीम हैं। ये बहुत अहम सवाल है जनाब नवाज शरीफ के हवाले से कि 20 दिसंबर से अब तक ना नवाज शरीफ ने सजा मुअत्तली में तौसी की कोई दरख्वास्त दी है, ना रिहाई में तौसी की। जामिन पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोई कार्रवाई की है और ना ही नैब ने करप्शन केसेस में मुलजिम और सजा याफ्ता मुजरिम जनाब नवाज शरीफ को गिरफ्त में लाने या कम अज़ कम मफरूर और इश्तहारी करार दिलवाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की है। गुंजलक सूरत हाल है। पाकिस्तान के देरीना सियासी रहनुमा आवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी काबीना के रुकन शेख रशीद अहमद इसके हवाले से कहते हैं, नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पार गया जो कि शपा इमरान खान को समझ नहीं आई। नवाज शरीफ वहाँ बैठा है, वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। शहबाज शाह की कमिटमेंट जो है हल्की फुल्की मौसीकी है, को पक्का राग नहीं गाएगा शहबाज शरीफ। और ये सारे काम इन्होंने कमिटमेंट से किए हैं। गो इमरान खान मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, मैं पहले दिन से राय रखता हूँ कि नवाज शरीफ भी बाहर कमिटमेंट से गए हैं, यही कि हम इमरान खान को तंग नहीं करेंगे 5 साल तक। शायद ही पाकिस्तान में कोई हो जो ये समझता हो या उसका ख्याल हो कि जनाब नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं बहुत जल्द या कम अज़ कम मिड टर्म फ्यूचर में भी वो वापस आते हुए दिख नहीं रहे, लेकिन उमूमी बात करती है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी और वो कहती है कि जनाब नवाज शरीफ ज़रूर वापस आएंगे, सेहतयाब होकर वापस आएंगे, लेकिन कब आएंगे वो कहते हैं कि जब वो सेहतयाब होंगे तो आएंगे। मियाँ साहब खामोश नहीं है, लेकिन मियाँ साहब ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। वो ये सब काम यहाँ से निपटा के गए हैं। जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होगी वो वापस आएंगे और इंशाल्लाह ताला अपने काम को जहाँ से छोड़ा था वहाँ से उठाएंगे। हम सब मिलके नवाज शरीफ की क्यादत में इस नालायकी से बहुत जल्द लोगों को आज़ादी देंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ के पास पुराने पाकिस्तान में रोशनियां वापस लेके आया मेरा कायद, पाकिस्तान को 4 चांद लगा दिए। वो आएगा, जरूर आएगा, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। कौम का मोहसिन हमारा लीडर मियां नवाज शरीफ, अल्लाह ताला उनको सेहत देगा, वो वापस आएंगे और दोबारा इस मुल्क और कौम को जो है वो लीड करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जनाब नवाज शरीफ ने ना सजा में मुअत्तली की दरख्वास्त की है, ना रिहाई में तौसी की बात की है और ना ही हुकूमत उनके खिलाफ वापसी की कार्रवाई कर रही है, लेकिन लग ये रहा है कि अब हुकूमत में बेदारी आई है इस पूरे मामले में और अब हुकूमत फैसले के मोड में आ गई है और इस सिलसिले में बहुत तेज़ी से डिवेलपमेंट्स होंगी। पहला ख्याल यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ जनाब नवाज शरीफ ने उनको इश्तहारी करार देने के हवाले से अपनी दरख्वास्त उसके खिलाफ जो दरख्वास्त दी थी वो वापस ले ली है, शायद पहला अमल ये होगा कि उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है जिसका बरमिला इजहार वज़ीर तराज़ुल शरिया जनाब शिबली फराज ने आज किया। नवाज शरीफ जो कि एक बीमारी का बहाना बना के चले गए थे, बिल्कुल उन्होंने मुख्तलिफ जो है डॉक्टर्स को और अपने टेस्ट को उन्होंने फच किया, उन्होंने ये तो मास्टर्स हैं इस चीज़ के, और जाके उधर लंदन में बैठ गए। हम ये समझते हैं कि वो वक्त आ गया है, उनको वापस आना चाहिए। हम नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उनको वापस लाना अब ज़रूरी हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला किया है कि जब आप जमानत की एक्सटेंशन मांगते हैं तो आपको यहाँ पे होना चाहिए, तो कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन हम जो है तो हमारी अब कोशिशें और तेज़ हो गई हैं और हम इंशाल्लाह वापस लाएंगे नवाज शरीफ साहब। इस पर मुस्तरद कानूनी पोजीशन इस वक्त ताज़ा तरीन जो पोजीशन है वो जानेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के नाम वर सीनियर कानूनदान जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। नवाज शरीफ साहब की जो सिचुएशन है अभी हम देख रहे हैं, अभी तक तो वो उनके स्टेटस के हवाले से कोई इशू नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करने के खिलाफ जो उनकी अपील थी, जो उनकी जो पिटिशन थी, वो विड्रॉ हो गई है, तो इट्स मैटर ऑफ टाइम कि वो एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो जाएं। और अगर एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो जाएंगे तो इंग्लैंड में उनके स्टेटस पे बज़ाहिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, उनके स्टेटस पे एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर होने का तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 मेजर एक इश्यूज बन रहे हैं। एक तो इशू ये है कि उनको उनकी जो सजा थी एक केस में, अलजीजिया केस में, उसको सस्पेंड किया गया था और ये कहा गया था कि आपको बेल दे रहे हैं हम,
आप 8 हफ्ते के अंदर अंदर इस हुकूमत को पेश हों और हुकूमत के पास रिपोर्ट्स दें, और अगर वो एक्सटेंड करना चाहें तो कर लें। तो मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक हुकूमत को उन्होंने नहीं कोई ऐसी दरख्वास्त दी, तो कानूनन उनकी बेल इस वक्त कैंसिल समझी जाएगी। एक तो ये पोजीशन है। दूसरी पोजीशन ये थी कि उन्होंने बाहर जाना था, उन्होंने इजाज़त ली, रिपोर्ट्स दी, वो सही थी या गलत थी उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट्स दी और हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया और कहा कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपको फिर टाइम मुकर्रर कर दिया कि अगर आप बेहतर हो जाएंगे तो आप वापस आएंगे। वो जो कमिटमेंट थी वो भी इस वक्त मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी अदालत में आके कि मेरी ये पोजीशन है, मेरी ये, मैं वापस नहीं आ सकता, और अदालत ने उसको एक्सटेंशन देने का कोई फैसला नहीं किया, तो उनकी ये पोजीशन भी ख़त्म हो गई है। तीसरी उनकी सिचुएशन ये थी कि उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार देने लगी थी अदालत, उन्होंने हाईकोर्ट में रिट की जो वापस ले ली। अमूमन वापस तब ही ली जाती है रिट, अगर आपको उसमें कोई जान ना नजर आए अपने केस में तो आप वापस ले लेते हैं, इससे बेहतर है कि फैसला हो जाए आपके खिलाफ, उससे बेहतर है कि आप खुद ही वापस ले लें। तो अगर ये बात है तो बहुत जल्द वो प्रोक्लेम ऑफेंडर भी हो जाएंगे। ये तो है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पोजिशन कामरान साहब, लेकिन ब्रिटिश कानून, इंग्लैंड में जो पोजिशन है वो मुख्तलिफ है। इंग्लैंड में हमारे कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, यानी कि हमारी कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुकूमत बरतानिया के साथ कि हम रिक्वेस्ट करें कि एक बंदा स्कॉन्डर है उसको वापस बुला लिया जाए, ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है। तो हम सिर्फ इंटरपोल के जरिए एक दरख्वास्त दे सकते हैं उनको, वो बरतानिया हुकूमत में वो पाबंद नहीं है कि वो वापस भेजें। और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अगर हम दरख्वास्त करें और बरतानिया हुकूमत तैयार भी हो उनको वापस भेजने के लिए, तो वो बरतानी जो अदालत है उसके पास जा सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे रोका जाए। तो अल्टीमेटली ये फैसला फिर वहां की अदालतें करेंगी कि नवाज शरीफ साहब को वापस भेजना है कि नहीं। अच्छा, तो ये यकीनन जी बिल्कुल सही आपने फरमाया, लेकिन ये बताइए कि गो के एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान हमने देखा है कि अगर हुकूमतें चाहें तो मुलजमान हवाले कर दिए गए हैं एक दूसरों के लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से। पाकिस्तान ने कई मुलजमान बरतानिया के हवाले किए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसके बाद उसका एक फॉलो अप लीगल प्रोसेस भी होगा, खाली हुकूमत के कहने से मुलजमान का तबादला नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ की जो अदालतें हैं या वहाँ की जो हुकूमत है वो हमारे अदालती निज़ाम की पाबंद नहीं है, इसलिए वो अपना ही फैसला करेंगे। लेकिन कम अज़ कम हमें इतना ज़रूर करना पड़ेगा हुकूमत को कि चूँकि यहाँ एक पोजीशन बड़ी वाजे है, तो उसके लिए जो कुछ एक्शन लेना है हुकूमत की तरफ से या अदालतों की तरफ से, वो तो मेरा ख्याल है अब जल्द लेना पड़ेगा। बिल्कुल इसी किस्म का, अगर मुझे बताइएगा, अगर सही बात नहीं है कि बिल्कुल क्या ये मुमासलत नज़र नहीं आ रही आगे चल के, जैसी कि जनरल मुशर्रफ के केस की थी कि जहाँ पर के वो एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर्ड हैं और वो इसी अंदाज से गए थे और वापस नहीं आए, कुछ उसी तरफ उसी अंदाज का उसी शक्ल सूरत का ये केस बनता जा रहा है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि एक बार कोई बाहर चला जाए मुल्क से तो फिर उसको वापस लाने का तरीका जिस तरह है कि या तो आपकी ट्रीटी हो, किसी मुआहदा हो मुल्क से, तो आप फोर्स कर सकते हैं, आप मजबूर कर सकते हैं उस मुल्क को कि वापस भेजा जाए, या अगर मुआहदा नहीं तो फिर आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मुशर्रफ साहब का जो मैटर था, जिस तरह वो वापस नहीं आए थे हालांकि अदालतें बुला रही थी उनको, तो वो यही सूरत हाल इधर भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली जफर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे हमसे तारीखी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहाँ दूसरे बहुत अहम बयानात दिए थे, बहुत अहम उन्होंने फैसलों की बात की थी, उसमें बहुत अहम मामला था पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, और कलीदी जो उसमें टर्निंग पॉइंट्स अब आए हैं उसके बारे में उनका कहना था कि इसमें अब कोई दो राय नहीं कि चीन पाकिस्तान का अजीम तरीन दोस्त अव्वल है, सऊदी अरब और अरब ममालिक अपनी कश्मीर पॉलिसी चाहे जो भी रखे हम उनसे अपने बराह रास्त ताल्लुकात रखेंगे, और ये कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक फ़लस्तीन के मसले का हतमी हल नहीं होता, अब इसका आज़ाद तज़िया हासिल करेंगे। नामवर तज़ियाकार बराए इंटरनेशनल अफेयर्स सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बाय फॉरन अफेयर्स के चेयरमैन जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन हमारे साथ होंगे छोटे से वक्त के बाद।
ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ذریعے تاریخی انٹرویو میں پاکستان کے مختلف مسائل کے حوالے سے کلیدی انکشافات کیے تھے، کلیدی فیصلوں کا اعلان کیا تھا. اسی حوالے سے انہوں نے تین بڑے اہم فیصلے جن کا تعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی سے تھا، اس انٹرویو کے دوران انہوں نے اس کا واشگاف اعلان کیا. وزیر اعظم عمران خان نے اس واشگاف اعلان میں کہا کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چین نے جو مدد کی کسی دوست نے نہیں کی. اور واضح طور پہ عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ چین پاکستان کا عظیم ترین دوست اول ہے، چین ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے ملک ہیں. اور اس طرح سے ان کا یہ دو ٹوک اعلان بہت اہم موقع پہ سامنے آیا ہے جب دنیا میں جیو پولیٹکس کے حوالے سے معاملات کروٹ بدل رہے ہیں. اسی دوران وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی واضح کر دیا کہ عرب ممالک کی کشمیر پالیسی سے پاکستان کو سروکار نہیں ہے. پہلی بار پاکستان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے پاک سعودی رشتوں میں کوئی فرق نہیں آیا. وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک انداز میں کہا. اور آج کی سب سے بڑی خبر یہی رہی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب کہ فلسطین کے مسئلے کا کلی اور حتمی حل نہیں نکل آتا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر کشمیر کو بھی چھوڑنا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کے یہ بہت ہی اہم خارجہ پالیسی اعلانات تھے. پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ. ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ملک نے ترقی کرنی ہے وہ چائنا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمارے ہر اچھے برے وقت میں پولیٹیکلی کھڑا رہا ہے. اور ہمارے دوست اس طرح پولیٹیکلی نہیں کھڑے رہے جس طرح چائنا کھڑا رہا ہے. جو ہمارے ٹائز ہیں وہ ہم اور مضبوط کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ، اور اپنی لنکیجز مضبوط کر رہے ہیں. کی ایلائی ہمارا سعودی عربیہ. سعودی عربیہ نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے، اور انہوں نے اس باری بھی مشکل ترین وقت. یہ جو آپ وائس سنتے ہیں کہ سعودی سے ہمارے حالات بگڑ گئے، بالکل غلط ہیں. ہماری سعودی کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے اوپر یہ جو آیا کہ جی وہ ایسی کو آنا چاہیے تھا، ان کی اپنی اپنی فورن پالیسیز ہیں، وہ اپنے ملک ہیں، وہ اپنے فیصلے کریں. سعودیہ کی اپنی فورن پالیسی ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں تو سعودیہ کو بھی وہ کرنا چاہیے. ان کی اپنی فورن پالیسی جو بھی کوئی ملک کرے. ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کلیئر کر دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو. میں سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں، جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو. میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کے یہ کلیدی اعلانات پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سمت میں نئے اس میں ٹرنز بھی ہیں، اس میں نئے انکشافات بھی ہیں. ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کریں گے سینیٹر مشاہد حسین سید، پاکستان میں خارجہ امور کے بہت ہی ممتاز سینئر انالسٹ بھی ہیں اور سینیٹ آف پاکستان میں فورن افیئرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت اہم کلیدی موقع پہ وزیر اعظم نے اعلانات کیے ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے ہماری، اور بڑے دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا کہ چین جو ہے وہ ہمارا عظیم ترین دوست اول ہے، ہر ٹیسٹ پہ وہ ہمارے پورا اترا ہے، اور چین سب سے آگے ہے سیاسی مدد میں، مالی مدد میں، ہماری ڈیولپمنٹ میں، دوسرے ملک اس کے بعد ہیں. اس طرح کا دو ٹوک اعلان میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی جانب سے اس سے پہلے کیا گیا ہے. السلام علیکم جی کامران صاحب، اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر نے انٹرویو دیا آپ کو، اور یہ بڑا مثبت ہے خاص طور پہ چائنا کے حوالے سے، کیونکہ چائنا کے حوالے سے ہمارا ایک درینہ موقف رہا ہے کہ جو بھی ہو کوئی چیز اس گہرے تعلق اور اس برادرلی تعلق کو رکھنا نہ ڈال سکے. اور خاص طور پر جو پس منظر ہے اس بیان کا، جب نئی کولڈ وار کی بات ہو رہی ہے، امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ چین ایک کی کنٹینمنٹ کی بات، اس میں پرائم منسٹر نے میرے خیال میں بڑی اچھی بات کی ہے اور ٹائملی بر وقت بات کی ہے کہ چین ہمارا سیر فہرست ہے، نمبر ون دوست ہے، اس دوستی میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں آ سکتی، اور چین کے ساتھ ہمارا مستقبل منسلک ہے.
ये बड़ी अहम बात है। और अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और वो उसी बेसिस पर करनी है, और साथ साथ ये भी कहा कि जो कंटेनमेंट की पॉलिसी लोग चाहते हैं चीन को काउंटर करना, वो नाकाम होगी क्योंकि चीन बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इत्मीनान, ये भी कहा उन्होंने कि चीन दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करती हुई राइजिंग पावर है, मुस्तकबिल चीन का है। और एक और जुमला उन्होंने बहुत अहम कहा कि हमें बेनतहा चीन की ज़रूरत है और चीन को भी हमारी ज़रूरत है खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। ये बिल्कुल सही कहा, दोनों की अब मुश्तरका जो एक किस्म के ऊपर डिपेंडेंस कह लें वो बढ़ गई है। और जो माजी में कुछ लोगों का था आए बाए शाए या कुछ नादान वज़रा के बयान थे, अब वो ख़त्म होगी बात, न्यू चैप्टर इज ओपन, क्योंकि दो टोक उन्होंने क्लैरिटी के साथ बात कर ली कि फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। और आपको पता है कि कल ही हमने ऑर्गेनाइज़ की थी, हमारे जो थिंक टैंक है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट, उन्होंने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, उसमें 9 सियासी जमातों ने जिसमें हिजब इख्तलाफ और हिजब इक़्तदार भी थे, उन्होंने कहा कि सी पैक पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जामिन है, रोशन मुस्तकबिल का। और शी जिनपिंग, सदर शी जिनपिंग ने एक मैसेज भेजा हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए, जो पहली दफ़ा हुआ कि एक सियासी जमातों की कॉन्फ्रेंस पर जो हमने ऑर्गेनाइज़ की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के साथ, वो किया। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से अब और है। और आज जो ऐलानिया आया है फॉरेन मिनिस्टर का भी, शाह महमूद कुरैशी का, मैं भी देख रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम मिलजुल कर दोनों साइड्स चाइना और पाकिस्तान मुश्तरका इकदाम करेंगे अपने जो बाहमी मफादात के तहफ़ के लिए इस इलाके में। मतलब है कि कोऑर्डिनेशन चाइना और पाकिस्तान की बढ़ेगी। तो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर नए हैं, और अमेरिका के लिए बड़ा वाज़े बयान आ गया है, जो अमेरिकन लॉबी कह लें, अमेरिकी सोच कह लें, जो कह रहे थे पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे हिंदुस्तान के ज़रिए, उनके लिए एक बड़ा धचका है, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात हुई है कि अब पूरे खित्ते में भारत जो है वो तन्हा होता जा रहा है। ईरान तकरीबन ख़त्म ताल्लुक़ किया है उसने भारत से, इसके अलावा बांग्लादेश ने बिगनिंग की है पाकिस्तान के साथ, नेपाल की शिकायत बड़ी वाशगाफ अंदाज में सामने आई हैं, श्रीलंका की भारत से शिकायत बहुत खुल के सामने आई हैं। ये एक पूरा नया ये खित्ते में नई रियलिटीज़ डॉन कर रही हैं, और उसमें फिर पाकिस्तान चीन का इतना कलीदी एक दूसरे से ताल्लुक़ और साथ, और फिर चीन का दुनिया में जो इन्फ्लुएंस है ख़ासतौर पर रूस के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, हम एक काफ़ी सेफ हैंड्स में नज़र आ रहे हैं। देखिए जी कामरान साहब, ये बड़ी सही असेसमेंट दी आपने, हमें एक मिल गई, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में कहा था, स्ट्रेटेजिक स्पेस, कि हमें एक मौका मिल गया है कि हिंदुस्तान पहली दफ़ा दिफाई अंदाज में आया है। नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश हिंदुस्तान से ताल्लुकात ख़राब हैं, हिंदुस्तान की पिटाई की है चाइना ने लद्दाख में पिछले 2 महीने पहले, फिर अमेरिका को पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त अफगानिस्तान के अमन के लिए, इसलिए अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर कम हो गया है। तो अगले 1.5-2 साल के लिए पाकिस्तान को एक मौका मिला है कि खुल के इलाकाई पॉलिसी हो, और चाबहार से जो हिंदुस्तान का इनखला निकल गया है बाहर, उससे सीपैक भी बच गया है, इसमें ग्वादर पोर्ट पर भी जो दबाव था रॉ के जरिए वो भी इंशाल्लाह वो भी कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान को एक नादर मौका मिला है कि कश्मीर कॉज को आगे लेके चले, और मोदी और हिंदुस्तान के जो जहरेना जायम है उसको बेनकाब भी करें। अच्छा, तो ये बड़ा एक अच्छा मौका है। एक और ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि ये प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में बात की, बड़े अरसे से हमारा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहती है कि जी कश्मीर के हवाले से जो हमारे जो गल्फ कंट्रीज़ फ्रेंड्स हैं, अरब दोस्त हैं, उनका वो जो हमारी तवक्कात है वो उस पर पूरा नहीं उतरते। मंगल को प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस इंटरव्यू में वाज़े तौर पे कहा कि जी के वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, अपने इंटरेस्ट देखें, कश्मीर में उनकी पॉलिसी हमसे हम आहंग होती है या नहीं होती, हमें उनके साथ अपने जो बायलेटरल ताल्लुकात हैं उनको मजबूत से मजबूतर रखना है। और सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने कहा कि हमें अब कोई इशूज़ नहीं है। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कि अपने आप को डिसोसिएट करना अरब ममालिक की तरजीहात से। देखिए जी बात ये है कि अरब ममालिक की तरजीहात में अब फलस्तीन इशू भी पीछे चला गया है, और दोस्तों में सऊदी अरबिया बड़ा हमारा दोस्त है, बड़ा करीबी ताल्लुक है, कुर्बत है, उसमें भी इख्तलाफ हो सकते हैं। 2015 को आपको याद है यमन के ऊपर हमने उनसे इख्तलाफ किया,
हमने इत्तफाक नहीं किया जब उन्होंने हमारे ट्रूप्स मांगे। ईरान के इशू पर उनका हमारा इख्तलाफ रहा, हमने ताल्लुकात आगे बढ़ाए। इसी तरह हिंदुस्तान के साथ उन्होंने ताल्लुकात बढ़ाए, तो ये एक वैसी बात नहीं, वो अपने ताल्लुकात अपने मफादात और मकासद के मुताबिक बढ़ाएं, हम अपने ताल्लुकात के मुताबिक चलेंगे। लेकिन ये ना भूलें कि सऊदी अरेबिया पर भी वही दबाव आ रहा है अमरीका से जो पहले पाकिस्तान में होता था। अभी 6 सेनेटर्स ने खत लिखा है कि जी सऊदी अरेबिया चीन के जो ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में उसका अमरीका नोटिस ले। तो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया को भी पाकिस्तान की बड़ी शदीद ज़रूरत है। इस इलाके में ट्रांजिशन आ रही है, उसमें भी बादशाह से हो सकता है MBS आइंदा 6 महीने साल में उनके नए बादशाह बन जाएं। फिर अमेरिका का थोड़ा सा इनखला हुआ है मिडल ईस्ट से, सीरिया से हो रहा है, अफगानिस्तान से हो रहा है, लीबिया से हो रहा है, इराक से हो रहा है, तो उसमें भी एक नई सर्द जंग की तैयारी हो रही है, जैसे तुर्की ईरान इसराइल में कशमकश हो रही है। तो सऊदी अरेबिया का भी ज़रूरत है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा डिपेंडेबल है बनिस्बत अरब ममालिक के। तो माजी में भी पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में सऊदी अरेबिया का साथ दिया। मुशाह साहब, ये जो इसराइल को रिकग्नाइज़ किया है UAE ने, इसे आपने देखा हो टॉम फ्रीडमैन ने कहा कि ये जियो पोलिटिकल अर्थक्वेक आ गया है दुनिया के अंदर, और ये कि इसके बहुत फार रीचिंग असरात होंगे। और UAE के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा बहुत सारे अरब ममालिक लाइन में लगे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करें। इसको आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के असरात, और इस मौके पर पाकिस्तान का दो टोक अंदाज में उस दिन प्राइम मिनिस्टर का बिला झिझक ये कहना कि हमारी पॉलिसी यही रहेगी कि जब तक फ़लस्तीन के मसले का मुकम्मल हल नहीं होता उस वक्त तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, कैसे देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को आप? ये बड़ी अच्छी आपने क्वेश्चन रेज किया। प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू से 2 दिन पहले मैंने सेनेट में तकरीर की थी ऑन पैलेस्टाइनिज्म, मैंने यही कहा था कि अगर हम तस्लीम करते हैं इसराइल को, इसका मतलब है कि हमने मोदी का जो मकबूजा कश्मीर का कब्जा है वो तस्लीम कर लिया, क्योंकि मोदी और नेतन्याहू नज़रियाती तौर पर फर्स्ट कज़न्स हैं और उनकी पॉलिसी वही है फ़लस्तीन में जो इनकी मकबूजा कश्मीर में है। और मुझे खुशी हुई कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी जो थी वो अपनाई। और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसराइल को जो तस्लीम करना होता तो हमारा कश्मीर का मौक़िफ़ खैरबाद करना पड़ता, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये जो आपने टॉम फ्रीडमैन को कोट करें, मैं पूरी तरह इतफाक नहीं करता, इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल अर्थ को एक नहीं है। इससे ये हुआ है कि पहली दफ़ा सऊदी अरेबिया UAE में भी थोड़ा सा फासला आ गया है। सऊदी अरेबिया ने वही मौक़िफ़ अख्तियार किया जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और लाइन में सिर्फ 2 ममालिक खड़े हैं, वो भी खलीज के ममालिक हैं, एक ओमान है और एक बहरीन है। बाकी लोग अभी रुक जाएंगे, क्योंकि जो इस मिडल ईस्ट के खत्ते में भी बड़ी तब्दीली आ रही है, और इसराइल को तो वो तस्लीम करने का मतलब है कि जो ख़ास तौर पे जो बालादस्ती है, जो जारियत है, उसको लेजिटिमाइज़ करना, UN रेजोल्यूशंस को ख़त्म करना। तो मैं नहीं समझता कि इतनी लंबी लाइन लगेगी, और अभी लोग इंतज़ार करेंगे 3 नवंबर का कि अमेरिका के इंतखाबात में क्या होता है, क्या सदर ट्रंप वापस आते हैं कि क्या जो बाइडन जीत जाते हैं। अगर जो बाइडन जीत गए तो फिर वो कहते हैं ईरान US न्यूक्लियर डील भी वापस आएगी और कई चीज़ों में पॉलिसी भी तब्दील होगी। तो अभी वेट एंड सी की पॉलिसी है अगले 2 माह में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुशाहिद हुसैन, सैयद सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने बहुत 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 ही स्पेसिफिक बात की है कि तमाम मामलात के लिए फ़िलहाल जो फैसला साजी है खारजा माहौल में दुनिया की वो रुक जाएगी नवंबर के महीने तक, क्योंकि अमरीकी इलेक्शंस और उसके नतज बहुत असरानंदाज होंगे आने वाली दुनिया में और आइंदा आने वाले सालों में, और इम्कान यही है कि ट्रंप का अब आखिरी चंद महीने हैं और ये होंगे तो इसके बहुत असरात होंगे मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी में। जैसे मिशाइल साहब ने कहा कि ईरान का जो फिर जो पाबंदियाँ जो ट्रंप ने लगाई और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट ख़त्म किया वो रिस्टोर भी हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ी डिवेलपमेंट होगी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है, पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर। Hi, it's Sayed Aishanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.